वर्कबुक खोलते ही ऐसा नजारा देखी जाए तो बड़ी टेंशन होती है। यहाँ जन्म दिनांक के कॉलम में हैश हैश हैश, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। और यहाँ पर हैश, ये हैश क्या है। और यहाँ फॉन्ट्स चेंज हो गए हैं। ये केवल जूम सेटिंग में फ़र्क आने से हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा स्क्रीन 78% पर जूम हो रहा है। इसको हम सेट करके जैसे 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 हम जूम बढ़ा रहे हैं, जो हैश पहले दिख रहे थे वो अब नंबर्स दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं इस तरह से हम ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए हैं, यानी कि जूम सेट करें। अगर 2003 में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नीचे बार नहीं आएगा। तब हम व्यू से लेकर इस जूम में जाएं और इसको अभी 100% पर है, जैसे चाहे सेट करें। 75 करते ही छोटा हो जाएगा और पहले की तरह फिर से हैश देखने लग जाएंगे। और इसको फिर से हम 100% पे लावें, ये सारे हैश क्लियर हो गए हैं, अब अंक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा करने के बाद भी अगर कहीं हैश आ रहे हैं तो उसका कारण है कॉलम विड्थ कम हो जाना। जैसे अगर हम ये कॉलम विड्थ कम करते हैं तो ये हैश में परिवर्तित हो गए हैं। तो ऐसे में हम कॉलम विड्थ को ऊपर यहाँ से डबल क्लिक करें तो अपने आप ये रिक्वायर्ड विड्थ ले लेता है और नंबर्स क्लियर हो जाते हैं। हमें अननेसरली कॉलम विड्थ को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बढ़ाने से हमारे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखें ये कितने पेज की शीट है। ये प्रीव्यू खुल रहा है, देखिए हमारे 12 पेजेस लग रहे हैं इसमें। अगर हम कॉलम विड्थ बढ़ा लेते हैं तो ये 12 की जगह 14 पेजेस लग जाएंगे, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेज सेटअप की। मार्जिन से हम ये कस्टम मार्जिन में आए हैं। यहाँ पर देखिए सारे मार्जिन 0.5 सेट किए हुए हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। कृपया इन्हें चेंज ना करें क्योंकि फिर वो पेज कम पड़ जाएगा। उसी तरह से हम रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर देखें क्या मार्जिन्स हैं। ये 0.5 चारों मार्जिन से, मान लो कि ये 0.5 के बजाय अगर 0.75 हो जाता है तो देखिए क्या असर पड़ता है। ये हम प्रिंट प्रीव्यू देखें, हमारा प्रिंट कट रहा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड कट रहा है, तो ये सारी सेटिंग बिगड़ जाएगी और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए पेज सेटअप को चेंज ना करें और प्रिंटिंग से पहले पेज सेटअप चेक कर लें कि सारे 0.5 का ही मार्जिन होना चाहिए। अब हम दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखें, हमारा पेज बिल्कुल क्लियर है। पेज A5 और मार्जिन 0.5 ऑल साइड्स। यह है रिपोर्ट का पेज सेटअप और डिटेल्स और मार्कशीट का। यह है पेज लीगल और चारों मार्जिन 0.5। उसी तरह से डिटेल्स का भी पेज लीगल और सारे मार्जिन्स 0.5।